हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल पब्लिक स्कूल ततारपुर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डू योर स्टडी। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2 कंटिन्यू थी, पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे। इसे ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे आज। पॉलिनोमियल्स में हमारी एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी। एक्सरसाइज 2.5 के स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है फोर्थ के थर्ड पार्ट तक कर लिया था। आज फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें क्या करना था? एक्सपेंड करना था। जैसे ये दिया हुआ है 3a-7b-c² इसे हमें क्या करना है? एक्सपेंड करना है। जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उनको यूज करके। सेवन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, उन सभी में से जो आइडेंटिटी इसमें सुटेबल है वो हमें यूज करनी है। तो कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है हमें? हमने पढ़ी थी एक आइडेंटिटी x+y+z² क्या होता है? x²+y²+z²+2xy+2yz+2zx पढ़ी थी आइडेंटिटी। अब यहां पर x की जगह पर तो कितना है? 3a। y की जगह पर कितना है? -k7b। और z के प्लेस पे कितना है? -k c। ठीक है, x के प्लेस पे 3a, y के प्लेस पे -7b और z के प्लेस पे -c। बस अब इनको फॉर्मूले में पुट करना है। जो फॉर्मूला हमने लिखा है उस फॉर्मूले में इन सब की वैल्यूज पुट करनी है, x y z की। तो ये x का स्क्वायर यानी 3a² प्लस y² यानी -7b² प्लस z² यानी -c² प्लस 2xy, 2 × x कितना है? 3a और y कितना है? -k 7b प्लस 2yz -7b × -c प्लस 2zx 2 × c × 3a। सबको आप कर लो सॉल्व। 3a² करेंगे कितना मिलेगा? 9a² -7b² करेंगे 7 का स्क्वायर 49b² -c² c². ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 3 = 6 6 × 7 = 42 ab। ये प्लस ये माइनस इंटू माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 × 7 = 14 और 14 bc। ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 3 = 6 और इस। ठीक है स्टूडेंट, बस इस आपको फॉर्मूले में पुट करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू और उसे सिंपल सॉल्व कर देना। तो ये था हमारा फोर्थ का फोर्थ पार्ट। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ है -2x + 5y - 3z और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, वही सेम आइडेंटिटी लगेगी। x की वैल्यू कितनी है? -2x। y की जगह पर कितना है? +k 5y और z के प्लेस पर कितना है? -k 3z। तो x के प्लेस पर तो है -2x, y के प्लेस पर है 5y और z के प्लेस पर है -k 3z। बस अब फॉर्मूले में पुट करना है हमें, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला में याद है ही क्या होता है, एक्स स्क्वायर आता है सबसे पहले, यानी -2x² प्लस y² यानी 5y² प्लस z² यानी -k 3z² प्लस 2xy, 2 × x की वैल्यू कितनी है? -k 2x और y की वैल्यू कितनी है? 5y प्लस 2yz, y की वैल्यू 5y और z की वैल्यू -3z प्लस 2zx, z की वैल्यू -3z और x की वैल्यू -2x। अब सबको सॉल्व कर लो। -2x² + 4x² 5y² 25y² -3z² + 9z² प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20xy
प्लस इंटू माइनस माइनस टू फाइव जा टेन टेन थ्री जा थर्टी वाई जेड माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस टू थ्री जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व जेड एक्स ये मिल गया हमें इसका आंसर। ओके स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। इसी का सिक्स पार्ट सिक्स में वन अपॉन फोर ए माइनस वन अपॉन टू बी प्लस वन और इसका होल स्क्वायर। इसमें वही आइडेंटिटी यूज करनी होगी हमें भी। हमें दिख रही है कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x के प्लेस पर तो कितना है यहां पर बताओ, x के प्लेस पर है यहां वन अपॉन में फोर ए, एक्स के प्लेस पर है वन अपॉन फोर ए, वाई के प्लेस पर है कितना माइनस के वन अपॉन टू बी, और जेड के प्लेस पर कितना है वन। एक्स के प्लेस पर तो है वन अपॉन फोर ए, वाई के प्लेस पर है एक्स के प्लेस पर लिख लेते हैं पहले वन अपॉन में फोर ए, वाई के प्लेस पर है माइनस के वन अपॉन टू बी, और जेड के प्लेस पर कितना है वन। बस अब फॉर्मूले में सबको पुट करना सिंपल, वही माइनस वन अपॉन टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर। सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर यानी वन अपॉन फोर ए का होल स्क्वायर, प्लस में आता है वाई स्क्वायर यानी माइनस वन अपॉन टू बी का होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, प्लस टू एक्स वाई, टू मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू वन अपॉन फोर ए, वाई की वैल्यू माइनस के वन अपॉन टू बी, प्लस टू वाई जेड माइनस वन अपॉन टू बी इंटू वन, प्लस टू जेड एक्स वन इंटू वन अपॉन में फोर। अब इसे करना है सिंपल सॉल्व। तो वन अपॉन फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस वन माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन ही जाएगा, वन अपॉन टू का स्क्वायर वन अपॉन फोर बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन। अब इसे देखो ये प्लस का टू और यहां भी टू, टू से टू हो जाएंगे कैंसिल, क्या बच जाएगा सिर्फ वन अपॉन फोर। यहां बाहर प्लस है अंदर माइनस है, प्लस इंटू माइनस मिलके हो जाएंगे क्या माइनस, और क्या बच गया वन अपॉन फोर ए बी। ऐसे यहां देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, इस टू से ये टू हो जाएगा कैंसिल, टू से टू कैंसिल हो गया क्या बच गया सिर्फ माइनस के बी। यहां टू से ये फोर हो जाएगा कितने टाइम्स कैंसिल टू टाइम्स, ऊपर क्या है वन इंटू वन वन और अपॉन में टू, और साथ में क्या आ गया ए। तो ये मिला हमें इसका एक्सपेंड करने। ओके स्टूडेंट तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है हमें। फर्स्ट दिया हुआ है फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस के ट्वेल्व एक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड माइनस सिक्सटीन जेड एक्स। इसे करना है हमें फैक्टराइज। अब तक हम क्या कर रहे थे एक्सपेंड कर रहे थे, अब हमें करना है फैक्टराइज। देखो कैसे कर सकते हैं फैक्टराइज। इस फोर एक्स स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं टू एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर को टू एक्स का होल स्क्वायर। इस नाइन वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या थ्री वाई का होल स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन वाई का स्क्वायर वाई। सिक्सटीन जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं फोर जेड का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमें यहां एक पैटर्न दिख रहा है, आइडेंटिटी दिख रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद में आता है क्या प्लस का टू एक्स वाई प्लस के टू वाई जेड और प्लस के टू जेड एक्स।
अब उससे हमें ये तीनों टर्म लेके आनी है, प्लस के टू एक्स वाई, प्लस के टू वाई जेड और प्लस के टू जेड एक्स। देखो कैसे लाएंगे, प्लस का टू एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 2x और y की वैल्यू कितनी है 3y। अगर यहां रख दें x की जगह 2x और y की जगह 3y, तो बताओ 2 इंटू टू फोर, फोर थ्री जै ट्वेल्व एक्स वाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है अब तक। इसके बाद में आता है प्लस के टू वाई जेड, वाई की वैल्यू 3y और z की वैल्यू 4z। तो 2 3 जा 4, 4 4 जा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 yz। बट 24 yz हमें मिल रहा है किसका, माइनस का। तो माइनस का लाने के लिए या तो 3y के साथ माइनस लगाना होगा या फिर 4z के साथ माइनस लगाना होगा। अब देखो ध्यान से किस में लगाएंगे, अगर हम 3y के साथ माइनस लगा देते हैं तो 3y के साथ माइनस यहां पर भी लगेगा, तो अगर 3y के साथ यहां माइनस लगा देंगे तो ये वाली टर्म रॉन्ग हो जाएगी, यानी वो माइनस किसके साथ लगाना होगा 4z के साथ। तो माइनस का यहां पर भी आएगा क्या, माइनस के 4z। भाई यहां तो माइनस 4z का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही हो जाएगा, प्लस के 16z स्क्वायर, बट यहां पर माइनस लगाने से हमें क्या मिल गया, यहां पर माइनस के 24yz। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, प्लस के 2zx। अब z की वैल्यू कितनी बनी है, माइनस के 4z और x की वैल्यू कितनी है 2x। तो देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 जेड एक्स, माइनस का 16 जेड एक्स आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें इसको करना है फैक्टराइज। अब ये क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। किसका फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जहां पर एक्स की वैल्यू है 2x, वाई की प्लेस पर कितना है 3y और जेड के प्लेस पर कितना है माइनस का 4z। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर। यानी इसको फैक्टराइज करने पर हमें क्या मिला, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये था फिफ्थ का आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ये सेकंड और दिया हुआ है इसमें सेम, उसको भी हमें ऐसे ही फैक्टराइज करना है। तो एक बार आप ट्राई करना घर पे करने की, अगर हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चंस आज मैं हमने करे हैं इनको वापस एक बार रिवाइज करना, अच्छे से अपने प्रैक्टिस करना और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना। थैंक यू सो मच।